राज्य में युवाओं को स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना आरंभ की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को उद्योगों में 40 लाख रुपए तक संयंत्र मशीनरी के निवेश पर 25% उपदान किया जाएगा। युवतियों महिलाओं को प्रोत्साहन करने के लिए निवेश पर 30% उपदान दिया जाएगा। ये जानकारी ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने बहु तकनीकी संस्थान बड़ू में रोजगार मेले का शुभारंभ करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार युवाओं को रोजगार प्रदान करने पर विशेष बल दे रही है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में औद्योगिकरण के लिए भाजपा सरकारों की ओर से ही प्रयास किए गए हैं। वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में ही हिमाचल को औद्योगिकी विशेष पैकेज दिया गया, जबकि वर्तमान मोदी सरकार ने औद्योगिकी इकाइयों को अब 2022 तक रियायतें देने का निर्णय लिया है। इससे प्रदेश में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खुलेंगे। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि सरकारी क्षेत्रों में भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त युवाओं की सुविधाओं के लिए विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार मेले का आयोजन भी किया जा रहा है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट पर भी विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर रही है, ताकि युवाओं स्वरोजगारों या निजी क्षेत्र में रोजगार के लिए दक्षता हासिल कर सकें। पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा कि हिमाचल में शिक्षा को रोजगार मुखी बनाने पर भी प्लान दिया जा रहा है, ताकि युवाओं का भविष्य उज्जवल हो सके। इससे पहले विधायक नरेंद्र ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर क्षेत्र में रोजगार मेला आयोजित करने के लिए सिटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के प्रबंधकों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हिमाचल के युवा ईमानदार तथा अपने अपने क्षेत्र में कर्मठता के आधार पर पहचान बनाते हैं। रोजगार मेले में 7 विभिन्न कंपनियों की ओर से इंटरव्यू किए गए हैं, जिनमें से करीब 400 युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। इस अवसर पर जिला परिषद के अध्यक्ष राकेश ठाकुर, मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, महामंत्री हरीश शर्मा, केसीसीवी के पूर्व अध्यक्ष रसिल सिंह मनकोटिया सहित तहसीलदार मित्र देव सहित विभिन्न गणमान्य लोग उपस्थित रहे। हमारे डिग्री, डिप्लोमा और ग्रेजुएशन के जितने भी बच्चे पास आउट हो रहे हैं या जो पास आउट हो रहे इस साल, उन सबके लिए है। इसमें हमारी लगभग 12 कंपनी आई हुई है और हर एक कंपनी का जो हमारा मतलब 25-30 अप टू 50 तक की उनकी रिक्वायरमेंट है अलग अलग कंपनी की सबकी। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और मैनुअल रजिस्ट्रेशन मिला के हमारे पास इस टाइम 1200-1300 के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुकी है बच्चों ने, जिन्होंने रजिस्टर करवाया है, जो अभी इन कंपनियों में जाके पार्टिसिपेट करेंगे और शाम तक हम उसका जो रिजल्ट जो आपको बता सकते हैं भी कितनी कितनी उन्होंने रिक्रूटमेंट की है, बच्चों जितने एलिजिबल हुए हैं, कितनों को नौकरी मिल गई है, कितनों को जो है वो रिजेक्ट हुए हैं उस हिसाब से। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एलिजिबिलिटी भी हमें देखनी है, एलिजिबिलिटी के हिसाब से वो कंपनी जो है वो फिर कंपनियों के अपने कुछ रिटर्न टेस्ट लेने हैं, इंटरव्यू लेने हैं, HR इंटरव्यू होगा, तो उसके हिसाब से हम अकॉर्डिंगली मतलब लगभग 350-400 बच्चा जो है प्लेसमेंट होने जा रही है आज की डेट में। ठीक ही उम्र मैंने बताया ना, एक तो अभी जो पास आउट होंगे इस साल वो बच्चे भी एलिजिबल हैं और एक साल पहले जो बच्चे जो हो चुके हैं जिन्होंने कर लिया है वो भी एलिजिबल है। तो जैसे डिप्लोमा का बच्चा 19-20 साल का होता है तो उसकी जैसे अब जिसको पास आउट हो गया उसकी 21 साल होगी, 20-21 साल से स्टार्ट है और अपर एज लिमिट में ऐसा कोई वो नहीं है, बट एलिजिबिलिटी जो फ्रेश होने की है ये एक साल पहले की हुई है, ज़्यादा गैप नहीं है। मतलब हम लेते हैं, कंपनी नहीं लेती है, आपको पता ही इस चीज़ का, तो ज़्यादा गैप वालों को बच्चे को नहीं लेती है कंपनी भी। इसमें डूइंग दिस जॉब फेयर बिकॉज वी आर फ्रॉम हिमाचल एंड इन द ऑर्डर टू एक्सप्लोर द हिडन टैलेंट ऑफ द स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दिस टाइप ऑफ द जॉब फेयर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड नॉट इंडिया। हिमाचल में हमने ये इनिशिएटिव लिया बिकॉज ऑफ द इनिशिएटिव नरेंद्र ठाकुर जी से हमने बात की थी, उन्होंने कंपनीज देखी, बहुत अच्छी कंपनीज हमारे पास साथ आई हुई हैं सर। ये 12 कंपनीज आई हुई हैं, टीम लीज, जॉन डियर, पैसा बाजार, पेटीएम, कैनन, स्पीड रिकॉर्ड, एपिन लैब्स, इम्पिंग सॉल्यूशन, स्वराज ट्रैक्टर्स, जॉन डियर, जिंदल इलेक्ट्रिकल, जीवो एंड कैलिवर, 12 कंपनीज हमारे यहाँ पे पहुँच चुकी है और 12 कंपनीज की कम से कम भी इनकी 20-25 बच्चों की रिक्वायरमेंट है। डिप्लोमे में इनकी जो स्केल है वो है आपका 10,000 से शुरू है, सॉरी ITI का, डिप्लोमे का इनका 15,000 से शुरू है और डिग्री के बच्चे जो है वो 20-25% ये शुरू में देते हैं।